Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 11th with chapter 7 permutations and combinations. Fine. So पिछली वीडियो में हमने किया था जी एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3. सो ये एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परम्यूटेशंस पे. ठीक है जी, परम्यूटेशंस. अब आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि ये परम्यूटेशन आप कब यूज करेंगे और कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे. ठीक है, परम्यूटेशन की नोटेशन होती है जी कैपिटल पी, कॉम्बिनेशन की नोटेशन होती है सी. अब देखिए, जहां पे भी आपका ना ऑर्डर मैटर करने लग जाए, ऑर्डर, उस केस में आप यूज करेंगे जी परम्यूटेशन का. समझ आ गई बात? अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 1, 2 और 3, इनसे आपको कोई नंबर बनाना है. तो अगर आप मान लीजिए नंबर ऐसे लिख दें 1, 3, 2, ठीक है, या फिर आप लिख दें 1, 2, 3, तो जैसे ही आपने 2 और 3 का ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो आपके आंसर्स क्या हो गए? चेंज हो गए. ठीक है, तो जहां पे भी ये ऐसे ऑर्डर मैटर करेगा आपका, उस केस में आप क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन का यूज करेंगे. तो ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन कहां यूज करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास बॉल्स हैं. ठीक है, बॉल्स हैं जो आपके पास, रेड कलर की बॉल्स हैं. अब रेड कलर की बॉल्स हैं आपके पास, मान लीजिए 4. इन 4 बॉल्स में से आपको क्या करना है? आपको एक बॉल निकालनी है, या फिर आप समझ लीजिए 2 बॉल निकालनी है. तो आप जो इन 4 बॉल्स में से 2 रेड कलर की बॉल निकालेंगे, क्या फर्क पड़ेगा कोई? अब रेड कलर की जो ये बॉल है, सेम ऐसे ही रेड कलर की दूसरी बॉल होगी. आगे पीछे रख लो, कहीं भी रख लो, पहले निकाल लो, बाद में निकाल लो, बात तो एक ही है. तो जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जहां पे करेगा वहां पे परम्यूटेशन यूज करेंगे. ठीक है जी, ये था बेसिक डिफरेंस इनका. अब हम करेंगे कैसे वो दिखा देती हूं मैं आपको, कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है. तो देखिए, परम्यूटेशन मान लीजिए NPR ऐसे लिखा हुआ है मैंने, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल. ठीक है जी, समझ आ गया सबको? N ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करके उसका फैक्टोरियल. फैक्टोरियल पिछले एक्सरसाइजेस में आपको कराई रखा है. जिस भी बच्चे ने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से. कुछ क्वेश्चन सिंपल में कराऊंगी आपको, परम्यूटेशन का यूज नहीं कराऊंगी कुछ क्वेश्चन में, और कुछ में परम्यूटेशन का यूज हमें करना पड़ेगा. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स. अब हमें बनाना क्या है? हमें 3-डिजिट के नंबर्स बनाने हैं. ठीक है जी, 3-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9. 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का हम यूज करेंगे और नंबर बनाएंगे 3-डिजिट का. इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कि हमारा जो रिपीटेशन है जी, यहाँ पे रिपीटेशन वो अलाउड नहीं है, इसने क्लियरली बोल दिया है. ठीक है, कि रिपीटेशन आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो देखिए, अब इसने कहा कि नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए? 3-डिजिट का होना चाहिए. मैंने आपको पिछले एक्सरसाइजेस में सेम ऐसी बॉक्स बना के सिखाया था ना, वही बॉक्स वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे. देखिए, 3-डिजिट होनी चाहिए, तो 3 बॉक्स बना लिया हमने. अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, पहला ये कहता है 1 से लेकर 9 तक की डिजिट है, तो पहले प्लेस पे मैं कितने नंबर लिख सकती हूँ? 1 से लेकर 9 तक मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ ना एक नंबर, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी इसके लिए? 9, क्योंकि 9 नंबर्स में से मैं किसी भी एक नंबर को यहाँ पे लिख लूंगी, तो 9 नंबर्स हो गए मेरे पास चूज करने के. ठीक है, अब देखिए, मैंने उनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया, तो मैंने ये जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स थे, इनमें से 7 को तो यूज कर लिया, तो बचेंगे कितने फिर? अब टोटल 8 बचेंगे, तो नेक्स्ट वाले के लिए कितने केसेस बचे? 8. ठीक है, अब की बार मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 चूज कर लिया, तो जो ये 8 केसेस थे इनमें से एक फिर से यूज हो गया, कितने बचे? 7. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7. अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से इन सबकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो ये आपके क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ 3-डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 to 9 दीज डिजिट्स एंड विदाउट रिपीटेशन. ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7, 8 जा 56, इन 2 में हो जाएगा 9, 9, 6 जा क्या होता है 54, 5, 9, 5 जा 45, और 5 क्या हो गया हमारा 50. फाइन, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7.3. सेकंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. ये कहता है कि आपको करना क्या है जी, आपको 4-डिजिट के नंबर बनाने हैं. ठीक है जी, ठीक है. फिर इसने कहा आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो आपका रिपीटेशन होता है जी वो आपका अलाउड नहीं है. ठीक है, अब इसने कहा कि जी डिजिट तो इसने बताई नहीं कि हम कौन सी यूज करें, तो अंडरस्टूड सी चीज है, 0 से लेकर 9 तक जितनी टोटल डिजिट होंगे हम उन सबका यूज करेंगे. तो टोटल डिजिट क्या होगी हमारे पास? 10 डिजिट होती हैं जी टोटल. ठीक है, अब हमें नंबर कितने डिजिट का बनाना है? 4-डिजिट का. तो आप समझिए,
सबसे पहले तो मैं क्या बना दूं, यहाँ पे बॉक्सेस बना लेती हूँ, ठीक है, फोर प्लेसेस बना लेती हूँ, ये रहे हमारे फोर प्लेसेस। अब जो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा 1000 वाले प्लेस पे, अब समझिए, अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगी, जीरो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, तो इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, 123 ही तो रीड करेंगे, यानी कि जो ये जीरो है ये कंसिडर नहीं होगा हमारा। तो जी एक बात हमें समझ में आ गई कि जो हमारा ये 1000 वाला प्लेस है यहाँ पे हम जीरो को नहीं लिख सकते, फाइन, क्योंकि जीरो अगर हमने लिख दिया तो वो नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यानी कि हमें एक बात समझ आ गई कि यहाँ पे हम 10 डिजिट की बजाय 9 में से चूज कर सकते हैं, ठीक है जी, जीरो को छोड़ के 1 से लेकर 9 तक की जो भी डिजिट बचेंगी उनमें से चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ के लिए आप सोचिए, अब देखिए एक तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, अब डिजिट कितनी थी टोटल 10, 10 में से एक यहाँ पे यूज हो जाएगी, अब कितनी बचेंगी नेक्स्ट केस में, फिर से हमारी क्या बचेंगी 9। समझ आ गया बच्चे सबको, यहाँ पे 9 क्यों लिखा था, क्योंकि जीरो को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो टोटल डिजिट हमारी 1 से लेकर 9 तक की हमने चूज की थी, ठीक है, तो 9 हो गए थे हमारे पास केसेस। फिर नेक्स्ट में 9 क्यों लिखा, क्योंकि अब देखिए 1 से लेकर 9 तक वाले नंबर्स में से मान लीजिए मैंने एक 7 नंबर को यहाँ पे यूज कर लिया, तो क्या बचे हमारे 8, तो ये बचेंगे, एक जीरो पहले से बचा हुआ था, तो टोटल क्या हो जाएंगे 9, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 9। अब मैंने एक फिर से यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब की बार क्या बचेंगे 8, फिर क्या बचेंगे हमारे 7, इन सब की क्या कर लेंगे आप मल्टीप्लाई। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने 9, 8 और 7 इन तीनों की मल्टीप्लाई की थी, क्या आंसर आ गया था आपका 504। अब इसको 9 से फिर से कर लेते हैं, 9 4 जा 36 और 9 5 जा क्या होता है जी 45, तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देखिए क्या क्या करना है हमें, पहली बात तो ये 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, नंबर होना कैसा चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है, 1 2 3 4 6 7, ध्यान से लिखिएगा, 5 नहीं है बीच में, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि जो आपका रिपीटेशन होता है जी वो अलाउड नहीं है इस केस में, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इवन नंबर बनाना है, तो पहले तो 3 डिजिट का है तो बॉक्सेस में प्लेसेस बना लेते हैं हमारे 3, ठीक है। अब जो इवन नंबर होता है, इवन में लास्ट में क्या होता है यूनिट प्लेस पे, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक मिल जाए तो इवन होगा। अब यहाँ पे 2 4 और 6, इन 3 नंबर्स की वजह से क्या हो सकता है इवन, यानी कि अगर ये 3 यहाँ पे आए तो इवन बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 नंबर हैं, कौन कौन से, 2 4 और 6, तो यहाँ के लिए क्या केसेस बन गए मेरे 3, ठीक है जी इतना। अब देखिए टोटल कितने नंबर हैं, ये 6 नंबर्स हैं ना, बीच में से 5 हटा रखा है, तो टोटल कितने हो गए ये 6, 6 में से कोई एक तो यहाँ पे यूज हो चुका है पहले से, तो क्या बचे 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ के लिए क्या बचेंगे हमारे 4, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 5 और 3, 4 5 जा 20, 20 3 जा क्या होता है जी 60, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल चल रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ की स्टेटमेंट कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, अब की बार देखिए हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट कौन सी यूज करनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का यूज करना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो दूसरी बात रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, ये तो हमें करना ही है, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे वो तो लेके ही आना है, उसके साथ इसने पूछा कि इनमें से कितने नंबर इवन बनेंगे, तो पहले तो आप निकालेंगे 4 डिजिट के टोटल नंबर, फिर आपको क्या निकालने हैं इवन नंबर्स, ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे, जब हम टोटल निकालेंगे कि 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, तो यहाँ पे मैं कितने प्लेसेस बना लूँ हमारे 4 प्लेसेस बना लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं इनकी हेल्प से, तो यहाँ पे रखने के लिए क्या हो जाएंगे, इन 5 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है, तो यानी कि 5, नेक्स्ट में क्या होगा 4 होंगे कोई भी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा 3, नेक्स्ट में क्या होगा 2, सबकी क्या कर लें मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, यानी कि 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 120 नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा कि इवन नंबर्स कितने होंगे, तो देखिए इवन के लिए वही वाली बात है कि आपके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 और 4, ये 2 दे रखे हैं, ये 2 आएंगे यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा इवन, तो यानी कि यहाँ के लिए क्या लिखा जा सकता है हमारा 2 लिखा जा सकता है, 2 चूज कर सकते हैं हम 2 में से, ठीक है, 2 और 4 में से। अब यहाँ पे क्या बचेंगे, टोटल देखिए 2 और 4 में से कोई एक नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर 5 नंबर्स में से एक नंबर यहाँ पे चूज हो चुका है, कितने बचे 4, तो यहाँ के लिए क्या बचा 4, फिर क्या बचा 3, फिर क्या बचा 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से, तो ये कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स जो यहाँ से हम बना सकते हैं वो कितने हो जाएंगे 48, जो टोटल नंबर्स यहाँ से हम 4 डिजिट के बना सकते हैं वो क्या हो जाएंगे 120, फाइन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा फ्रॉम
फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons. टोटल कितने persons हैं? 8 persons हैं. उनकी कमेटी है कोई, उसमें से क्या करना है आपको? इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन? आपको क्या करना है? एक तो चेयरमैन की पोस्ट है, उसके लिए एक पर्सन को चूज करना है. एक आपको क्या चूज करना है? वाइस चेयरमैन को चूज करना है. इन 8 persons में से एक तो बनेगा चेयरमैन, दूसरा बनेगा वाइस चेयरमैन. ठीक है जी. फिर इसने कहा Assuming that one person cannot hold more than one position, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही person को chairman भी बना दें और vice chairman भी बना दें. ठीक है, यानी कि main बात यह है, आपका repetition allowed नहीं है. समझ रहे हैं आप repetition क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि अलग अलग person ही chairman बनेंगे. Same person chairman बनता और same vice chairman बनता तो फिर वो तो repetition allowed हो जाता, तो यहाँ पे repetition allowed नहीं है आपका. ठीक है जी, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. अब देखिए टोटल कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट है, तो 2 के लिए हमारे होंगे चुनाव जो हम करेंगे. ठीक है, सिलेक्ट जो करेंगे. तो चेयरमैन की पोस्ट के लिए अब ये 8 पर्सन है टोटल, 8 में से कोई एक आ जाएगा, यानी कि 8 केसेस बनेंगे. ठीक है जी, यहां से हमने एक चेयरमैन तो चूज कर लिया. अब इन 8 में से एक तो चूज हो चुका, वाइस चेयरमैन कितने में से चूज करेंगे हम? 7 में से. मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? मल्टीप्लाई कर दो तो 7, 8 जा 56 हमारी क्या आ सकती हैं जी? टोटल पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. ठीक है जी, समझ आ गया सबको. 6th क्वेश्चन देख लेते हैं. 6th कहता है फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है, इफ गिवन क्या है? एन माइनस वन पी थ्री एन पी फोर, और ये गिवन है हमें 1:9. ठीक है जी, ये गिवन है हमें, हमें यहां से निकालना क्या है? हमें एन की वैल्यू निकालनी है. आपको क्या करना है? आपको सिंपल परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है और आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या कहता था आपका? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूं. एन पी आर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिखेंगे आप? एन फैक्टोरियल. नीचे क्या लिखेंगे? एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, ये क्या होता था हमारा? नीचे वाली टर्म R, ऊपर वाली टर्म को हम क्या बोलते थे? N. ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे ये N माइनस वन दिख रहा है हमें, इसको पहले तो मैं लिख लेती हूँ. N माइनस वन पी थ्री, रेशियो को हम डिवाइड में भी तो लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया. यहाँ पे इस रेशियो को भी क्या लिख लें? 1:9. ठीक है, इसका हम ऐसे यूज करेंगे हमारा सॉल्यूशन के टाइम पे, तो इसलिए लिख दिया. अब देखिए एन माइनस वन है तो सबसे पहले तो एन माइनस वन का क्या आ गया? फैक्टोरियल. नीचे से क्या आ जाएगा? एन माइनस वन माइनस थ्री, यही तो था. ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से नीचे वाली टर्म को माइनस करके उसका क्या लिखते थे? फैक्टोरियल. इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल, और नीचे एन में से फोर को क्या कर देंगे? माइनस, और इसका फैक्टोरियल. इधर क्या चल रहा है हमारा? 1:9. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन माइनस थ्री, टोटल क्या हो गया? माइनस फोर, यानी कि एन माइनस फोर फैक्टोरियल. नीचे से क्या चल रहा है हमारा? एन फैक्टोरियल, और डिवाइड में एन माइनस फोर का फैक्टोरियल. अब ये एन माइनस फोर फैक्टोरियल, एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा. इधर से 1:9 एज इट इज. क्या बचा आप यहाँ पे? एन माइनस वन फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या बचा? एन फैक्टोरियल. इधर क्या बचा? 1:9. अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल तो एज इट इज. फैक्टोरियल कैसे ओपन होता था हमारा? अगर मान लो आपको 8 फैक्टोरियल सॉल्व करना है, कैसे लिखेंगे आप? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 अप टू सोन, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल. ठीक है, आप एक डिजिट को ओपन करके बाकी ऐसे ही फैक्टोरियल छोड़ सकते हैं. सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे. ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको करवा रखा है फैक्टोरियल वाला काम, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही. ठीक है, जिसने नहीं देखा है, जिसको ये फैक्टोरियल वाला समझ नहीं आया, वो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो को चेक कर लें. अब देखिए एन फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? एन एज इट इज, और साथ में एन माइनस वन का फैक्टोरियल. ठीक है, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 1:9. अब एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा यहां से हमारा लेफ्ट में? 1:n. राइट में क्या बचा? 1:9. कंपेयर कर लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दीजिए. एन इंटू वन क्या हो जाएगा? एन. नाइन को वन से करेंगे 9, तो हमारे एन की क्या वैल्यू आ गई? 9. एन ही निकालना था. अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया जी हम 7 में. हाँ जी, देखिए 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं. 7th में क्या करना है? फाइंड R. हमें यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है. जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सॉल्व करके N निकाला था, सेम वैसे ही R निकालना है. अब इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे. बिल्कुल सेम है, उसमें क्या डिफरेंस है? ये 2 नहीं है, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा. तो देखिए कैसे करेंगे. ओपन कर लें फॉर्मूला सीधा. 5 का फैक्टोरियल यहां से क्या बन जाएगा? 5 माइनस आर का फैक्टोरियल. ठीक है, इधर से 2 तो एज इट इज, ऊपर से क्या ओपन होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस, अब माइनस में नीचे वाली टर्म होती है तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 टर्म है इसलिए. ठीक है, तो 6 माइनस दिस, और इस पूरे का क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज, नीचे से 5 माइनस आर का फैक्टोरियल. इधर क्या चल रहा है? 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल. नीचे से क्या चल रहा है? देखिए 6, इसको ओपन करेंगे 6 माइनस आर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में फैक्टोरियल. ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, नीचे है 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर 2 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, और 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है यहां तक। अब देखिए 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस आर का जो फैक्टोरियल है ये भी एज इट इज, इधर 2 मल्टीप्लाई में जो ये 6 फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है हमारी इसको कैसे ओपन किया जा सकता है, 7 माइनस आर, फिर एक कम करेंगे तो 6 माइनस आर, फिर से एक कम करेंगे तो 5 माइनस आर, यहां पे मैं फैक्टोरियल छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 माइनस आर इधर भी है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल यहां भी हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा हमारा लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में क्या बचा वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 क्या होता है 12, नीचे से क्या बचा हुआ है 7 माइनस आर, 6 माइनस आर। ठीक है, इसके डिवाइड में भी 1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 की 12 से करेंगे तो इधर तो 12 ही रहेगा, ये टर्म दोनों इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी और ये क्या बन जाएंगी 7 माइनस आर के मल्टीप्लाई में 6 माइनस आर। ठीक है यहां तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा हमारा 7 6 जो क्या होता है 42, फिर 7 को r से करेंगे तो माइनस का 7 r, 6 को r से करेंगे तो माइनस का 6 r, माइनस r को माइनस r से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस r स्क्वायर। ठीक है यहां तक। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा r स्क्वायर, माइनस 7 और माइनस 6 तो माइनस का 13 r, साथ में क्या चल रहा है 42, ये 12 को इधर ले आओ माइनस का 12, इक्वल्स टू में क्या बचा 0, यहां से आ गया r स्क्वायर माइनस 13 r, प्लस में क्या आ जाएगा 30, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज देखिए आप 11th क्लास में आपको आता ही है तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। मुझे मल्टीप्लाई क्या चाहिए 30 इंटू 1, मुझे मल्टीप्लाई तो चाहिए 30, ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और जिनका प्लस या सब्ट्रैक्शन वो क्या आना चाहिए 13, तो मैंने नंबर चूज किए 10 और 3, तो यानी कि 10r और माइनस में 3r, प्लस में क्या आ गया 30, इक्वल्स टू में क्या है 0, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है r, क्या बचेगा r माइनस 10, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3 को कॉमन ले लेते हैं माइनस 3। ठीक है, क्या बचेगा अंदर r माइनस, यहां से क्या हो जाएगा 10, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इसको तो बाहर लिख लेते हैं, अंदर से क्या बचेगा r माइनस 3, इक्वल्स टू में क्या है 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, यहां से बोलेंगे जी r माइनस 10 इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से r का वैल्यू क्या आ गई 10, इधर से r की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि या तो r आपका 10 के इक्वल है या फिर r आपका 3 के इक्वल है। फाइन, अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे, यहाँ आज तक के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब